एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंगुर प्रसाद पढ़ो। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गगन दमामा बाजो परयो निशाने काओ खेत जो मांडयो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। जगत गुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे वरसोए संत महापुरुष संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज जी दे संगी महान कीर्तनीय परम पूज संत बाबा सुजान सिंह जी उन्हां दे अगे जिन्होंने अपने आप नू संत बाबा सुजान सिंह जी चिखा समर्पण कर दिता शहीद संत संगत सिंह जी के स्थान पर धन धन बाबा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की हजूरी में पावन हजूरी जुड़ बैठी साध संगत जी गज बज के फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल जो दिहाड़ा लंघिया है साध संगत जी पंथ के महान शहीद शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा सी जिस बाबत अज इस स्थान पर दीवान सजाए गए हैं। दास तो पहला जो इतने मुख्य सेवादार हैं भाई मनी सिंह जी इन्होंने बड़ा रस भिन्ना कीर्तन किया और बड़े संक्षेप में तुम्हें दसिया कि बंद बंद जो कट रहे सन भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे तो किस प्रकार सुखमनी साहब जी की आवाजा आ रही सन। इतिहास वर्णन है जो भाई साहब भाई मनी सिंह जी का शरीर कटिया जा रहा सी बंद 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 मतलब साध संगत जी एक एक पार्ट पोटा पोटा जो कटिया जा रहा सी ते कटन तो पहला सुखमनी साहब की बाणी आरंभ हो गई। आद गुरे नमह जुगाद गुरे नमह सतगुरे नमह श्री गुरुदेव ए नमह। कहते जदू सारा शरीर बंद बंद कटिया गया ना जी तो विचू आवाज आ रही सी पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। देखो सानू माड़ी जी सुई भी चुभ जाए ना तो सुप करने तो बंद बंद कटाना तो बड़ी वड्डी खेल है। बिल्कुल संक्षेप में मैं तुहानू भाई साहब भाई मनी सिंह जी शहीदी का वेरवा दांगा फिर जो उन्होंने पंथ से उपकार किया उस उपकार बाबत भी तुहानू साध संगत संक्षेप ही दसेगा दास क्योंकि सिर्फ थोड़ा समा दास कोल है। गुरु घर च भाई बल्लू दो है साध संगत जी बड़े ध्यान नाल सुनिया जी। एक भाई बल्लू जी होए जो तीसरे गुरु गुरु अमरदास महाराज जी के गड़बई सन सेवक सन। तुसी इतिहास की जाणू हो गए कि गुरु अमरदास महाराज क्योंकि इस तो वड्डा कोई गुरु घर सेवक नहीं होया। जदों पंच सवाल पूछे सन ना सिंह ने अकाल तख्त साहब के छेवें पातशाह महाराज गुरु कौन होया महाराज सिख कौन होया महाराज सेवक का दर्जा किनू प्राप्त है रिश्तेदार कौन होया और पंजवा सवाल कि पुत्र असल कौन होया। तो महाराज ने कहा कि जगत इको गुरु गुरु नानक साहब होए। तुसी हैरान हो गए कि साढ़े भी दस गुरु हैं लेकिन साध संगत जी गुरु अंगद देव साहब महाराज गुरु का बड़े जो गुरु नानक साहब ने जोत टिकाई गुरु ग्रंथ साहब साहब का महाराज 1604 ईस्वी दरबार साहब प्रकाश हो गया सी
लेकिन गुरदा गद्दी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने नांदेड़ हजूर साहब जाके दी उत्थे जो टिकाई और हुक्म कर दिता आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ नाल बोलिया भी करो संगत जी सिख हो भाई लेना जी जो उन्होंने सिखी कमाई ऐसी सिखी कमाई कि सिख ही गुरु की उपाधि तक पहुंच गए। तीसरे जी गल मैं करनी सेवक सेवक होए गुरु अमरदास महाराज 60 साल की उम्र 12 साल गागर पुठी धोती महाराज ने पुठे पैरी जाते तो सीधे हो गए कि महाराज वाल पिट ना इन्नी श्रद्धा गुरु प्रति इन्नी श्रद्धा। गुरु अमरदास महाराज जी के सेवक सन भाई बल्लू जी। एक बार गुरु अमरदास महाराज सेवा करते करते ना गुरु अंगद देव साहब जी ने अगे उन्हों की बांह खबी चली गई। महाराज ने 22-23 साल इस बांह तो कम नहीं लिया। संगत जी महाराज की बांह चलनी बंद हो गई। भाई बल्लू जी महाराज नूं बस्तर पाया करते और यह बांह चक के महाराज की सेवा करया कर। दूसरे संगत साध संगत जी गुरु घर भाई बल्लू हुए ने भाई मनी सिंह जी के दादा जी। ये 6वें पातशाह वेले पहली जंग जो हुई अमृतसर साहब की उस जंग शहीद होए भाई बल्लू के पुत्र होए भाई माई दास। भाई माई दास के साथ संगत जी 12 पुत्र होए। 2 शादियां पहली शादी माता सीतो तू हुई जिन्हों तू 7 पुत्र होए जिन्हां विच तीजे नंबर ते सी भाई मनी राम जी बाद विच भाई मनी सिंह सजे अमृत छक के। पहले भाई जेठा जी दूसरे भाई दयाला जी। दिल्ली चांदनी चौक जाओगे ना भाई मतीदास चौक उत्थे स्थान बनया भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी। भाई दयाला जी उबलते देग जो उबाले गए भाई मनी सिंह जी के सगे भाई सन बड़े भाई। चौथे हुए मान सिंह फिर 7 भाई होए भाई मान सिंह भी शहीद होए। ये सात संगत जी सारे भाई सारे भरा सारे चाचे ताए के मुंडे भाई मनी सिंह जी के अपने 7 पुत्र 5 पुत्र के पहली और 6 पोह की रात ही निकलते शहीद होए जिद भाई उदय सिंह भाई विचित्र सिंह भाई अजायब सिंह भाई अजब सिंह भाई मन्नण सिंह ये 5 भरा सन जे शहीद होए। आनंदपुर साहब का जो किला महाराज ने छड़िया सिरसे के कोल पहुंचन से 5 भरा भी शहीद होए जो पंथ लिखे ने। भाई साहब भाई मनी सिंह जी घरों 60-65 परिवार गुरु पंथ के लिखे लगे। साध संगत जी इन्नी वड्डी कुरबानी इस परिवार की गुरु पंथ वास्ते है। सो भाई मनी सिंह जी कल असी दिहाड़ा मनाया तुहानू सारयां नूं इतिहास पता है क्योंकि मेरा अज सब्जेक्ट थोड़ा जिहा हटके है किस तरह भाई मनी सिंह जी ने अमृतसर क्योंकि दीप माला अमृतसर बहुत बड़े पद्धर से मनाई जाती है किस तरह दीप माला मनाने वास्ते पंथ खालसे नूं हुक्म किया चिट्ठियां पाइया तुसी आओ और आके अमृतसर साहब दीप माला मनाओ क्योंकि पुरातन मर्यादा सी जो गुरु पंथ खालसा है संगत जी वो दीप माला वास्ते अमृतसर एकत्र होंदा है। दशहरे वास्ते हजूर साहब विसाखी वास्ते दमदमा साहब और होले महल्ले वास्ते आनंदपुर साहब ये जो बुढ़ा दल है पंजवा तखत ये उत्थे कट हो गया संगत जी खालसा जी का। तो भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने किस तरह बुलाया पर जदों भाई मनी सिंह जी को खबर मिली रामसर साहब जकरीए ने धोखा किया उन्हें अपनी फौज भी बुला ली और फौज बुला के ये उन्हें एक साजिश रची कि जदों पंथ खालसा आएगा तो इन्हों घेर के असी मार देंगे। दूजे पासे भाई मनी सिंह जी को पता सी कि 10,000 की रकम इन्होंने मंगी है गुरु की संगत की रकम असी देनी है वो तो चलो कोई गल नहीं देंदे लेकिन जो ये पता लगा कि बड़ी भारी साजिश हो रही है सो भाई मनी सिंह ने पंथ खालसे नूं सुनेहा भेजा कि तुसी मुड़ जाओ आन की लोड़ नहीं। सो भाई मनी सिंह की साध संगत जी उत्थे गिरफ्तारी होंदी है क्योंकि भाई मनी सिंह ने कीन मन्नण तों मना कर दिती जो रकम जो पैसा चाहते सन मुगल वो देने तो मना करता क्योंकि गुरु घर का पैसा थी सात संगत का पैसा नहीं जो गुरु घर वास्ते लगना सी तो भाई साहब ने मना करता तुहानू पता है। उस तो बाद भाई साहब को कैद करके लाहौर लैके जाया गया जिथे भाई साहब की बंद बंद का कट्ट का
काजी ने हुक्म दिता और बंद बंद कट के उन्होंने शहीद किया गया। भाई मनि सिंह जो भरा सन भाई जगत सिंह इन्होंने भी पुट्ठा लटका के इन्हों की खल उतारी गई, खल उतार के शहीद किया गया। पर जिहड़ा साध संगत जी दास ने अज प्रसंग चकना है वह प्रसंग है साध संगत जी कि जदों महाराज आनंदपुर साहब तो सारी जंगा लड़ के चमकौर साहब तो जो महाराज साहब दमदमे साहब पहुंचे, दमदमे साहब पहुंच के महाराज ने कमर कसा खोलिया और 25 सिंघां नूं धीर बलिया कोल भेजिया कि जाओ जाके गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लैके आओ, मैं गुरसिखा नूं बाणी पढ़ानी है। उत्थे उन्होंने कोरा जवाब देता कि जो ही जोत है वही गुरु ने ते आप बाणी उचार लैण। उस स्थान पर बैठ के साध संगत जी गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ी कृपा की पंथ से और महाराज का स्वरूप एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक आप उचारिया और दो प्रमुख लिखारी, एक लिखारी भाई मनी सिंह जी, दूसरे बाबा दीप सिंह जी। गुरु कलगीधर महाराज ने पौंटा साहब ही जिन्ना लिटरेचर उचारिया, जिन्नी बाणी उचारी, सारे लिखारी भाई मनी सिंह जी आप सन। सो संगत जी ओ महाराज ने जो बाणी उचारी तो जो असी इत्थे तुहानू मैं एक भगत कबीर जी का तुहानू एक मैं शब्द सुनाया पढ़ के जिद चाहता सूरा सो पहचानीए जो लड़े दीन के हेथ पुरजा पुरजा कट मड़े कबहू न छाडे खेत। ऐसा कहने जो यह लिखन लग पाया भाई मनी सिंह के मन च ख्याल आया कि महाराज अब पुरजा पुरजा कौन कटेगा, कौन खेत नहीं छेगा। तो यह कृपा जी सी महाराज ने भाई मनी सिंह जी के झोली च पाई, छोटी गल नहीं सी साध संगत जी बंद बंद कटाने। भाई मनी सिंह जी ने इस तू पहला साध संगत जी पौंटा साहब की धरती से महाराज ने अपनी बाड़ी उचारी। तुहानू सारयां नूं पता है कि जिहड़ी नितनेम की बाणी है जाप साहब की बाणी, जाप साहब तो बाद संगत जी एक बाणी आती है अकाल उस्तत, अकाल उस्तत तो बाद तीसरी बाणी आती है साध संगत जी जिन्हों कहते हैं विचित्र नाटक, विचित्र नाटक तो बाद बाणी आती है चंडी चरित्र जिन्हों उगत बिलास कहते हैं कई गुरसिख, उस तो बाद बाणी आती है चंडी चरित्र दूसरा, फिर बाणी आती है चंडी दी वार, चंडी दी वार तो बाद ज्ञान प्रबोध, ज्ञान प्रबोध तो बाद 24 अवतार, 24 अवतार तो बाद शब्द हजारे पातशाही दसवीं 33 सवैये सस्तर नाम माला, उस तो बाद बाणी आती है साध संगत जी चरित्रोपख्यान, चरित्रोपख्यान तो बाद बाणी है जिन्हों कहते हैं जफरनामा, जिहड़ी जफरनामा की बाणी लिख के महाराज ने औरंगजेब नूं कलम नाल मारिया सी। सारी बाणी गुरु कलगीधर पातशाह ने उचारी है ते लिखारी कौन सन, भाई साहब भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह जी का एक पक्ष तो शहीदी का है, दूसरा पक्ष उन्हां दा पंथ नूं बहुत वड्डी देन है जो उन्होंने पंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप दसवें पातशाह की बाणी के स्वरूप लिख के जदों गुरु कलगीधर पातशाह 1708 साध संगत जी सचखंड गमन कर गए, उस तो बाद 40 साल पंथ की अगवाई माता सुंदरी जी ने दिल्ली बैठ के की है। कई सिखां नूं इह गल पता नहीं होगी 40 साल पंथ की अगवाई माता जी ने की और माता जी नूं इह बहुत चंगी तरह पता सी कि जिन्नी बाणी महाराज ने उचारी है सारी बाणी के लिखारी भाई साहब भाई मनी सिंह जी आप हैं। भाई मनी सिंह जी नूं दिल्ली बुला के माता जी ने हुक्म किया कि तुसी महाराज कलगीधर पातशाह की बाणी एकत्र करो, एकत्र करके स्वरूप तैयार करो। संगत जी थोड़ी बिरती टिकाओ, आओ मैं 2 मिनट पढ़ना तुसी मेरे नाल थोड़ा जा पढ़ो तो बिरती थोड़ी टिके दी। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, पढ़ो सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत,
कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे। लगाओ हाजरी जी। पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे। कबहु न छाडे खेत कबहु न छाडे खेत भाई मनी सिंह जी ने साथ संगत जी सारी बाणी लिखी। माता जी ने बुलाया क्योंकि जदों गुरु कलगीधर पातशाह दा सिरसे दे कंडे परिवार विछोड़ा होंदा है उस परिवार विछोड़े विच बहुत सारा कीमती समान सिरसा नूं भेट हो गया। एक बहुत वड्डा ग्रंथ सी क्योंकि महाराज दी इच्छा सी कि गुरसिख पढ़े लिखे होण बच्चे विद्वान होण गुरबाणी दा पता होए। जिवें मेरे लागे भाई साहब मनी सिंह जी बैठे हन इन्हां दी बड़ा वड्डा उपराला इन्हां दी सोच है। अज दस इन्हां विचार कर रहा सी इह कह रहे सन वीर जी बच्चियां नूं पढ़ाया जाए जपजी साहब कंठ कराया जाए जाप साहब कंठ कराया जाए मातावां भैणां नूं सुखमनी साहब कंठ होण इहदा असीं प्रेरणा करिए उपराला करिए। संगत जी दास तुहानूं बेनती करेगा कि यह उपराला पिछले 16 सालों तो असीं करदे आ रहे हाँ। जे किसी बच्चे नूं जाप साहब कंठ है तो उहनूं असीं मोबाइल इनाम देण दा एक प्रोत्साहन वास्ते कोई लालच नहीं है कि बच्चे का उत्साह वधे एक मोबाइल असीं जरूर उहनूं अजकल दा जिहड़ा वधिया मोबाइल उहनूं असीं गिफ्ट करने हाँ। जे किसे बच्चे नूं कोई लाइव भी सुन रहा अगर वो जाप साहब कंठ है जरूर अगे आए। जिस बच्चे नूं जपजी साहब पूरा कंठ है अगर उस बच्चे की उम्र 7 साल तो छोटी है तो उन्हें साइकिल देने असी अगर 7 साल तो उपर की उम्र है तो उन्होंने घड़ी इनाम देने। तो यह उपराला सदा चलता आ रहा। इस नाल संगत जी एक होर उपराला है किसे साड़ी भैन नूं सुखमनी साहब पूरा कंठ है यह तो नहीं कहता तुसी गुटपे नाल पढ़ लो ना। जिन्हों सुखमनी साहब पूरा कंठ है उन्हें माइक्रोवेव ओवन या फूड प्रोसैसर एक जरूर सेवा वास्ते मिलता है। तो अगर थोड़े भी किसी को कंठ होए तो तुम महापुरुषों को लिखा सकते हो दास एक बार जो साढ़े नाल सेवादार ने थोड़ी बाणी सुनेंगे उस तो बाद जरूर है जो है उत्साह वधाने वास्ते गिफ्ट दिए जाएंगे। ये उपराला असं कर रहे हैं तो मैं बड़ी खुशी हुई कि देखो भाई साहब कीर्तन भी कर रहे सन ना छोटे छोटे बच्चे बैठे ने 5 साल के 7 साल के। संगत जी साड़ियां जड़ां ने बच्चे अज के हालात ऐसे ने कि साढ़े बच्चों गुरमुखी पंजाबी पढ़नी भी नहीं आती। गुरबाणी तो बड़ी दूर की गल है ना इन्हों नूं पंजाबी पढ़नी आती है तो ना पंजाबी बोलनी आती बड़ा औखा काम है। सो तुहानूं एक पहला यह भी बेनती है कि अपने घर तुसी जरूर बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ पंजाबी पढ़ाओ और घट तो घट जपजी साहब की बाणी जरूर कंठ कराओ जरूर कंठ कराओ। क्योंकि पिछे दास ने उपराला किया इस इलाके की संगत हजूर साहब मत्था टेकन गई सी तो महापुरुषों ने बैठ के विचार हुई कि पटना साहब भी असीं लैके जाना चाहते हैं। तो महापुरुषों ने एक गल कही कि पटना साहब वो लैके जाए उन्होंने लैके जाओ जिन्होंने जपजी साहब कंठ हो हले 2 महीने का टाइम है 2-3 गल्लां ने। एक तो जपजी साहब तुसीं कंठ जरूर करो दूसरा तुहानूं दोनों कोविड के टीके लगे होने चाहिए हैं जरूरी है अजकल थोड़ा यह सख्ती चल रही है। तो असी कोशिश कर रहे हैं कि 150 की संगत असी पटना साहब लैके जाइए तो तुहाडे इलाके में असं चाहते हैं 30-40 बंदा इतों भी मत्था टेकन जाए। लेकिन जिवें हुण महापुरशां ने कहा हुण हर जगह मेरी यह एक तुसी एक रिक्वेस्ट कह लो एक बेनती कह लो संगत नूं कि जपजी साहब की बाणी तुसी जरूर कंठ करनी है। जपजी साहब की बाणी कंठ करो यह समझो तुसी कोई भेटा दे रहे हो तुहाडे कोल असी माया तो नहीं मंग रहे लेकिन जपजी साहब की बाणी जरूर कंठ करो। इस दे नाल नाल जो एक कंडीशन है कोविड के टीके जरूर दोनों लगवा लो तो पटना साहब की यात्रा वास्ते तुसी महापुरशां नूं अपना नाम लिखा सकते हो। अगस्त या सितंबर असी प्रोग्राम बना रहे हैं संतान उत्थे लैके जाना है क्योंकि हजूर साहब मत्था टेक आए हैं हूँ असं पटना साहब का उपराला करना चाहते हैं। सो संगत जी इतने होर भी गुरविंदर भाजी कलसी भाजी बैठे हैं त्रिलोचन जी बैठे हैं अपने अवतार भाजी बैठे हैं इन्हों भी बेनती है कि वो संगत का तुम हूँ प्रेरणा करनी है जिन्होंने जपजी साहब कंठ हो जपजी साहब कंठ करो हूँ पटना साहब मत्था टेकन चलो ये इलाके कह सकते हो। पहला जत्था 150 के करीब संतान का जाएगा फिर दूसरे जत्थे जिसे देखेंगे कि संगत होर जा सकती है। सो संगत जी मैं वापस आवां भाई मनी सिंह जी से भाई मनी सिंह जी ने सारिया बाणियां एकत्र कीतियां और तुसी दिल्ली ना अजकल तो दर्शन नहीं कराते महापुरशो गुलाब सिंह सेठी जी का औरंगजेब रोड से अपना घर है कोठी है
उन्हां कोल एक सरूप है जिस सरूप विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने अपने हस्त लिखित जो है गुरु ग्रंथ साहब और दसम के सरूप लिखे हैं वो किठी जिल्द है जिस जिल्द तुसीं दर्शन कर सकते हो गुरु तेग गुरु कलगीधर पातशाह की बाणी के। सो पहली बाणी जाप साहब जिहड़ी साडी नितनेम की बाणी है। दूसरी बाणी अकाल उस्तत। हुण देखो अकाल उस्तत विचों सुधा सवैये तो प्रसाद सवैये असीं रोज़ पढ़ने आ श्रावक सुध समूह सिधान के देख प्रि होकर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मती के। ये अमृत की बाणी अकाल उस्तत विचों है। तुसीं पढ़दे हो ना शब्द रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै सत्र अनेक चलावत घाओ तऊत अनेक न लागन पावे। ये अकाल उस्तत की बाणी है। तुसीं होर अगे आओ अकाल उस्तत दी सवैये पढ़दे हो दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पस पछू नग नाग नराधप सर्व समय सब को प्रतपारे पोखत है जल में थल में कल में फल में कल के नहीं कर्म बिचारे दीन दयाल दयानिध दुखन देखत है पर देत न हारे। ये दसवें पातशाह की बाणी। ओदी जी शब्द आंदा है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। तीसरी साध संगत जी बाणी है विचित्र नाटक। कई कहते हैं पढ़ो राजी बाणी हूँ उस बाणी च महाराज कहते हैं जो असं रोज गुरुद्वारा च पढ़ने टीकर भोर दिलीस सिर प्रभपुर किया पया तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुर लोक। फिर सात संगत की चंगी दियां बाणियां ने। हुण तुसी हैरान हो गए जो असी अरदास करने हैं ना प्रथम भगौती सिमरक गुरु नानक लई त्याए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। ए तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे ताए सब थाई होए सहाय तक। ये पहली पौड़ी है चंडी दीवार की। हुण दसो ते हर गुरसिख करेगा कोई सवेरे अरदास करे दुपहरे अरदास करे सामी अरदास करे करना ही करना। फिर उस तो बाद साध संगत जी ज्ञान प्रबोध की बाणी है सारे वो भी पढ़ते हैं। फिर उस तो बाद साध संगत जी चौबी अवतार की बाणी है। तुसीं देखो दरबार साहब भी कीर्तन गायन होंदा है इत्थे भी रिदास साहब का पाठ होया सी पढ़ने ना सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब देखो आंख तरे नहीं हन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबे पो भेद कहे हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। ये सारा ये जो भी अवतार की बाणी रामाकार विच गांदा उहदी बाणी विच समाप्ति ओदी जी महाराज कहंदे ने मैं न गणेश प्रथम मनाऊं किसन बिसन कबहू ने त्याऊं कान सुने पहचान न इंसो लिव लागी मोरी पग उनसो। सो संगत जी चौबी अवतार की बाणी है। उस तो बाद सात संगत जी शब्द जा रहे पातशाही दसवीं तुसी सारे पढ़ते होने हो रे मन ऐसो कर सन्यासा बंसे सदन सबे कर समझो मन ही माहे उदासा। फिर सात संगत जी बाणी तेती सवैये वह भी असं पढ़ने हूँ। कई कहें दसवें पातशाह की बाणी ना पढ़ो क्यों ना पढ़िए मनु वीर मिले कहता वीर जी चरित्रों पख्यान एक बाणी है मनु कुछ किंतु शंका है। मैं क्या भाई चौबी साहब का पाठ करना है कहता हाँ जी करना। मैं क्या वह भी चरित्र ही है महाराज का आखिरी चरित्र है चार सौ पांच नितने भी असं पढ़े जाने हमरी लो मेरे नाल पढ़ो सारे हमरी करो हाथ दह रचा पूरन होवे चित्त की इच्छा तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हुण जेड़ा वीर पढ़दा है कोई किंतु कर रहे कोई मेरे को आ गया। मैं कहा भाई रोज तू पढ़ना है कहना मैं पता ही नहीं। हुण जब तक सात संगत जी पता किवें लगेगा जिस तरह महापुरुषों ने कहा कि तुसी बाणी नाल जुड़ो जेड़ा जेड़ा बाणी नाल जुड़ गया। एक होर छोटी जी बेनती करके समा हो गया मैं समाप्ति करना।
असी 15 मिनट गुरु घर का इतिहास रोज जरूर पढ़ना। तुसी अगर 15 मिनट भी इतिहास पढ़ लोगे ना तो तुसी साल विच कोई ग्रंथ पढ़ लोगे। देखो 18वीं शताब्दी में साडे कोल बड़े बड़े कमाल के राइटर और कमाल के ग्रंथ आए। कवि संतोख सिंह जी का सूर्य प्रकाश ग्रंथ, रतन सिंह पहंगू का पंथ प्रकाश, ज्ञानी ज्ञान सिंह का पंथ प्रकाश, एक सेवा सिंह राइटर हुए ने ज्ञानी सेवा सिंह, तुसी पढ़ते हो ना भट्टा के सवैये, एक अरदास भाट कीरत की, कीरत जिन्हें पोतरे हुए ने, मतलब पढ़ पोतरे तीन चार उन्होंने कुली चो ने भट्ट जी के कुली चो ने ज्ञानी सेवा सिंह जी, जिन्होंने शहीद विलास लिखा भाई मनी सिंह जी, ये सारे तुसी इतिहासिक ग्रंथ अगर पढ़ोगे ना, अगर 15 मिनट भी समा कटोगे तो तुसी साल च ग्रंथ जरूर पढ़ सकते हो। फिर जो तुसी ग्रंथ पढ़ोगे ना तुहाडा कोई विचार करेगा तुसी जवाब दे सकते हो, जे तुहानू पता ही नहीं है जवाब की दोगे। दूसरी एक बेनती होर, यह भी मेरी बाबा जी नाल बैठ के विचार हो रही थी, तुसी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 3-4 अंग रोज़ पढ़ो, तुहानू समा लगेगा 10 मिनट, लेकिन एक साल ही समाप्ति हो जाएगी। हुण तुसी एक साल ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सहज पाठ भी कर सकते हो। जब तक देखो ना, हुण बाबा नंद सिंह जी महाराज इन्हां बाबत जो दास ने इतिहास पढ़िया है, महाराज 101 पाठ जपी साहब का रोज़ करया करते, किन्नी कमाई सी महापुरशां दी। इत्थे तक विचार आती है कि अकाल उस्तत की बाणी का भी पहरा लगाया सी महापुरशां ने, और गुरसेवकां नूं क्या करते सन कि 5 पाठ अकाल उस्तत दे भी करया करो। तो हुण संगत जी सी लोगों नूं तोड़ी जा रहे हैं, कोई कहिंदा जी यह बाणी नहीं है, कोई कहिंदा जी यह बाणी नहीं है, एक गुरसिख मनु कहता है जी जी मैं हजूर साहब अरदास करके आया कि मैं 5 पाठ करेंगे जपजी साहब के, मैंने को फलाना बंदा मिल गया कहता पाठ करने का लाभ की, एको पाठ कर ला। देखो तोड़न की गल होगी, जिन्ना असी बाणी पढ़ा, जिन्ना असी बाणी ज्यादा पढ़ा, उन्ना साड़ी सुरत गुरु प्रति प्रेम बधेगा। ज्ञान है जिहड़ा साडा सुरत है ना जी, सुरत ही साड़ी चेला है। महाराज कहते सुरत शब्द गुर सुरत तुम चेला, जब तक साड़ी सुरत नहीं गुरु नाल जुड़ेगी सानू ज्ञान की प्राप्ति नहीं होएगी। दास अज स्थान पर पहली बार हाजरी भर रहा है, जिवें हुण महापुरशां ने सानू हुक्म लगाया, मैं कोशिश करांगा 2 महीने बाद इत्थे अकाल उस्तत की बाणी का भी जाप करिए, और अकाल उस्तत की बाणी दे जिन्नी सानू कुछ बुद्धि महाराज ने बख्शी है उहदा असीं साध संगत जी कुछ गुरु कथा विचार भी करिए, तुहानू भी पता लगे कलगीधर पातशाह की बाणी का। क्योंकि देखो जिहड़ी जाप साहब की बाणी है, जो जिन्ना गुरु असी विद्या लई ओह क्या कहते सन, महाराज ने जाप साहब की बाणी 3 वार उचारी है। हुण इह ते मन्नणगे कि आनंदपुर साहब उचारी है 1 वार, यह भी मन जाएंगे कि पौंटा साहब उचारी है। हुण उह कहते सन सब तो पहला उचारी उन्होंने श्री हेमकुंड साहब मनते हैं, कहते सी हेमकुंड साहब ही नहीं मनते, मन से बता मिले कहते हेमकुंड साहब ही नहीं मनते, मैं कहता धन्य भाई तू उत्थे महाराज कह साढ़े उस्ताद जी सानू समझाया करते सन कि जेड़ा पहला मंगला चरण है, चक्र चिही नर बरंजा त्रपात ने हिंजे, रूप रंग और रेख में को कह न सकत के। जो अकाल पुरख ने दुष्ट बंदे रूप में तपस्या करते कलगीधर साहब नू सचखंड बुलाया, तो उत्थे दा जो नजारा देखा महाराज ने, फिर महाराज के मुंह निकलिया चक्र चिही नर बरंजा त्रपात ने हिंजे, रूप रंग और रेख भेद को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कहीजे, कोट इंद्र इंद्राण साहो साहान गणिजे। तो संगत जी तक असं बाणी नहीं पढ़ा, संगत नहीं करा, देखो जिह जी संगत होगी वही रंगत रहेगी। तुम जिहोजा संघ कर लो तो शामी वह जहाँ बंदा कतर जाएगा। जे तुम सवेरे गुरु ग्रंथ साहब के चरणा की अरदास करोगे कि महाराज सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता, तो तुम्हें सारा दिन उ मिलेगा जो तुम गुरु का नाम चित कराएगा। जे तुसी सवेरे कुछ होर अजकल तो गुस्सा ना करे, मैं कई वीर देखे हैं क्योंकि मेरे नाल यात्रावां करदे हैं हेमकुंड साहब हजूर साहब, तो मेरे एक बंदा हजूर साहब गया तो 3:30 बजे या 3:15 बजे समय अनुसार उत्थे किवाड़ खुलते हैं दरबार के हजूर साहब जाओ दे, तो असी 2:30 बजे उठे तो मैं उन्होंने कहा मैं रुक पहले मैं स्नान कर ला फिर तू करी, तो वापस आया तो फेसबुक खोल के बैठा, मैं क्या की कर रहा, कहिंदा वीर जी बड़ा जरूरी टॉपिक आ गया तुसी जाओ मैनूं घंटा लगेगा। मैं कहा तू हजूर साहब आया छड़ दे, कहता नहीं मेरा हम ध्यान नहीं चाहिए। हूँ उन्हें सवेरे सवेरे 2:30-3 बजे फेसबुक खोल ली, फिर सारा दिन की करेगा। साध संगत जी दो गल करके मैं समाप्ति करना, एक अमृत वेला और एक दसवंत, तुम जरूर संभालना।
अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ जरूर करना, एक करो, दो करो, चार करो, पांच, जिन्नी ज्यादा बाणी पढ़ोगे। जपजी साहब साड़ी जड़े सिखी, जपजी साहब गुरु नानक साहब आप ने, जिन्होंने जपजी साहब पढ़ ली उन्होंने की होएगा, आओ मेरे नाल पढ़ो फिर मैं समाप्ति करा। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। पढ़ो, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। दरगाह विच साध संगत तुहाडा मुंह उजला होएगा, धर्म राय दर कागज फाड़े, गुरु नानक लेखा समझा। जिस स्थान पर बैठे हो साध संगत जी, ये शहीदां दा स्थान है। शहीद कहंदे ने जिन्हां दी कोई हद ना होवे। एक बार कलगीधर पातशाह नूं पुछिया सी सिखां ने, महाराज शहीदां दर्शन ते कराओ, जिन्हां दी कोई आर पार नहीं होवे ओह शहीद हुंदे ने साध संगत जी। और कलजुग विच साध संगत यकीन जाणिया जे देवी देवते भी कुछ देना चाहन ना तो बिना शहीदां दे हुकम ते दे नहीं सकदे। कलयुग विच गुरु नानक साहब का ही पहरा है और गुरु नानक साहब के सदके शहीदों का ही पहरा है। सो आओ दो मिनट वास्ते वाहिगुरु सिमरन करके समाप्ति करिए। मैं अपने वालों अपने छोटे भीर मैं बाबा जी कहना, क्योंकि इन्हों का बाणा इन्हों की गल्ला मैं पहली बार कल मिले संगत जी परसों, सच मेरा मन इन्हों प्रति इन्ना मैं गदगद हो गया। मैं कहा चलो इस इलाके विच, क्योंकि मनु लगिया नहीं इतने कोई जोड़न वाला, जिथे जाओ ना गुस्सा ना करे। जे किसी गुरु घर भी जाओ ना, उन्होंने पहले एक शर्त होंगी कि पर्ची की कटा रहे हो, समान की दे रहे हो। पर इतने आने तो बाद मैं बाबा जी ने कहा कि तुहानू वीर जी नितनेम कर दो, तुहानू गुरबाणी कंठ है, तुम विचार करनी है। सो मैं इस गल तो बहुत प्रभावित हाँ कि इस इलाके बाबा जी ने इतने स्थान बनाया और छोटे छोटे बच्चों जोड़ रहे हैं, इतने सेवा कर रहे हैं। देखो बाबा जी ने एक हुक्म लाया दास नू, कहते हैं वीर जी तुसी ना बार ना जल की सेवा करनी, एक ना टूटी की सेवा करनी लगवानी है। सच जाने जो बाबा जी तुसी मेरे ते परोपकार कीते, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। और गुरु नानक साहब का भी बहुत बहुत महाराज के चरण में नमस्कार करना कि तुसी ये सेवा ली, क्योंकि ये जल की सेवा है। साध संगत जी जल की सेवा तो भाई कन्हैया जी ने की है। देखो भाई नंद लाल जी किन्ने वड्डे विद्वान, उन्हां दी विद्वानता तो कोई आर पार नहीं है। पर जो कलगीधर पातशाह ने कहा सी ना कि भाई नंद लाल जी कुछ बंगो, तो कहंदे ने महाराज मेरी झोली च लंगर की सेवा पा दो। देखो लंगर की सेवा, जल की सेवा। सो मैं हाथ जोड़ के बाबा जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि परमात्मा ने तुहानू मेरे को यह छोटी जी सेवा ली है। अगे मैं होर तुहानू बेनती करांगा इस तरह की कोई सेवा तुसी दुखदास नूं हुकम करो, दास हाजिर है। आओ संगत जी इनियां गल्लां तुसी मेरियां प्रमाण करो, क्योंकि दास सच्ची पूछा जाए तो मैं तुहाडे इलाके विच विचर के ना मैनू यह लगे कि इत्थे प्रचार की बड़ी लोड़ है। और दास हुण सेवा लै, क्योंकि परमात्मा ने कोई विध बनाई, कोई ऐसी डेस्टिनी बन गई कि बस मैं स्थान पर पहुँच गया। हुण मैनू एक सहयोग चाहिए सी किसी संतां महापुरशां का, तो मैं लगता कि हुण भाई साहब भाई मनी सिंह जी मैनू सहयोग पूरा मिलेगा और इस इलाके जो सिखी का असं प्रचार करेंगे। बाकी तुहाड़ियां सारियां संगतां का धन्यवाद, सब तो ज़्यादा धन्यवाद मेरे सतगुरु का जिन्होंने परोपकार किया। और इस दे नाल नाल एक धन्यवाद मैं करांगा भाई गुरविंदर सिंह जी का, जेड़े मैं इस स्थान पर पहले भी लैके आए, इतने होर मेरे वीर सारे बैठे हैं, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी का नाम ना लिया तो गुस्सा ना करे जे। सो संगत जी एक होर बेनती है कि किसी नूं भी कोई लिटरेचर पंजाबी का चाहिए, इस दे नाल एक सेवा होर भी है गुरु महाराज की पोथियां की सेवा, पंज ग्रंथी, दस ग्रंथी, जपजी साहब के गुटके, नितनेम के गुटके, सुखमनी साहब के गुटके, अकाल उसत साहब का गुटका, कोई भी तुहानूं इस तरह की महाराज सैंची साहब, देखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज सैंची साहब और दसम ग्रंथ की सैंची भी साढ़े अवेलेबल है। जे किसी नूं चाहिए है तो जरूर बाबा जी को नाम लिखाए, दास सेवा तुहाडी करेगा। एक बार सारे मेरे नाल मिलकर श्लोक पढ़ो फिर समाप्ति है। पढ़ो श्लोक, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात,
दिवस रात गए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी जगारा में गजाऊंगा सारे गजाए जे खुशियां दा गज के जगारा गजावे सरबंस दानी साहेब कमाल धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी दे मन नूं भावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबल अकाल चिटियां बाजां वालियो सतगुरो रख लो मृद बाणे दी लाज चितो गुप्तो शहीदो सिंगो सर्वत गुरु खालसे सिंह साहेब जी को सत श्री अकाल गुरुवर अकाल देख तेग फतेह। गुरु पंथ खालसे दी दिनों दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज। वाहिगुरु राम कली महला तीज। सत श्री